अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अमना राजपूत और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं रॉबी लिस्ट्रेटर की एक और बहुत ही सुपर डुपर सी क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबने प्रैक्टिस भी जरूर की होगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इरेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ टूल एंड इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये पूरा बॉक्स, कलर पिकर बॉक्स विद डिटेल्स डिस्कस करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, तो चले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल लगा ले, स्क्वायर लगा ले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जो होना एक्सप्लेन करूँगी इरेजर टूल को। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे हम एक शेप और एक ये सिंपल ओपन पाथ खेलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इरेजर टूल है और इरेजर टूल को भी जैसे आपने ब्लॉक ब्रश टूल को बड़ा करना, मतलब साइज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना चाहता, पी के आगे आपके पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं, ये देखें, जिससे राइट लेफ्ट वन आपको जो है साइज डिक्रीज करेगी एंड दी राइट वन से आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं जितना चाहे। ओके, अब यहाँ पर आपने ये चीज़ करनी है, ये देखें, सबसे पहले ये आपके पास ओपन पाथ है, इसको आप ऐसे मर्जी, ये देखें, आप करते जा रहे हैं, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट वो करती जाएगी, ठीक है। उसने कट कर दिया है आपको ओपन पाथ में, आपकी सारी लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट जो है ना आपको दे दिया है, ठीक है। बट इन शेप अगर आप इसको इरेजर टूल को यूज करते हैं ना, सी ये आपको उसने पाथ क्लोज करके दे दिए हैं, मतलब ये एक ही शेप थी, बहुत इंटरेस्टिंग सी लग रही है फिलहाल, बट आप इसको अगर ऐसे किसी डिज़ाइन में चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग डिज़ाइन आप बना सकेंगे, शेप्स बना सकते हैं जो कि आप अपने डिज़ाइन में इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपने ये चीज़ नहीं बनानी, आपको ओपन पाथ के साथ चलना था, तो फिर ये आपके लिए वर्केबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ये देखें, हम यहाँ से सिलेक्शन टूल पर जाते हैं और ये देखें, ये हमारे पास सब अलग अलग हो गया है, सी। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप जो है ये देखें, आप एक सर्कल ड्रॉ करें, अब मैंने यहाँ पे आपको जो है पाथ इरेजर टूल भी एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ओपन पाथ मिले, लाइक इसकी तरह क्लोज नहीं चाहिए शेप्स में, तो देन ये आप पाथ इरेजर टूल को यूज़ करेंगे और ये देखें, आपका इतनी सी पाथ जो है ना वो यहाँ से रिमूव हो गई है। समटाइम आपको ओपन पाथ के साथ किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करना होता है, लाइक आप इसमें स्ट्रोक इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, स्ट्रोक इंक्रीज करने के बाद आप यहाँ पर जाके राइट क्लिक करें और लेफ्ट क्लिक से स्ट्रोक पैनल ओपन करें और यहाँ पर ये देखें, आप इस पर एरो हेड यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी कोई चीज़ जो है कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एरो ऐड कर सकते हैं या ये देखें शॉर्ट एरो हो गया, एरो हेड्स में ही देखें आप इस तरह इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक ये देखें, अगर आपने किसी लोगो के लिए आप चाह रहे हैं कि आपने फ्रेमिंग पे यूज़ करना है किसी चीज़ को। ओके, मैं फ़िलहाल कोई नेम नहीं दे रही तो हम डमी टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको इंक्रीज़ किया, यहाँ से हमने इसको रखा और इधर कोई भी नेम मेंशन करके ही देखें, हमारे पास शेप है। आप हाईलाइटेड करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट को, किसी चीज़ को, आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया इरेजर टूल एंड देन पाथ इरेजर टूल। ओके, पाथ इरेजर टूल जो है वो आपको पेंसिल टूल में मिलेगा यहाँ पे। ओके, ये वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे बट ये आपको अगेन जो है वो बहुत ज़्यादा मिल गया इंटरेस्टिंग सा। सेम कोर्स अगर हम नेक्स्ट किसी टूल पर जाते हैं, ये देखें, यहाँ पे हमने एक शेप ड्रॉ की, ठीक है। अब हम यहाँ से यूज़ करते हैं सीजर टूल। सीजर टूल जो है ना वो ऐसे ही यूज़ नहीं होता, लाइक ये देखिए, प्लीज़ यूज़ दी सीजर टूल ऑन ए सेगमेंट और एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड जॉइंट और ऑफ अ पाथ। ओके, ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए आपको ये देखें, ये यहाँ से हमने इस जॉइंट को सिलेक्ट किया यहाँ तक जी, और यहाँ हमने इसको डिलीट कर दिया। ये भी ऐसे ही जो है, अब वो देखें, या तो आप इसके लिए पाथ इरेजर टूल यूज़ करें या नाइफ टूल यूज़ करें। ओके, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह जो है सीजर टूल को पाथ के ऊपर। ये देखें, ये पाथ आप इधर से सिलेक्ट करें एंड देन इसको इरेज कर दिया। इस पर यह चीज़ होती है, यहाँ से सेलेक्ट किया
और ये देखें। ओके, इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ शेप को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक आपको बाकी सर्कल ठीक से चाहिए तो आप यहाँ से थोड़ा सा शेप को कोई और टच देना चाह रहे हैं। ये देखें, नीचे से राउंडेड आपको इतना खूबसूरत नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, बट इसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है समझ आ रहा होगा सब कुछ ठीक से। इसी तरह अगर हम यहाँ से ये देखें एक और शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना नाइफ टूल करते हैं। अब नाइफ टूल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूल है। ओके, जस्ट लाइक आपने ये देखा है कि हमने यहाँ पे इरेजर टूल यूज़ किया और इसने जो है आपको पाथ ओपन जो है क्लोज पाथ के साथ जो आपको डिफरेंट शेप करके दिया। नाइफ टूल भी इसी तरह का कोई वर्क करता है, ये देखें। लेकिन ये देखें, इरेजर टूल में आपको ये है कि आप जो है ना अपने जो है ये अलग अलग जितना आपका इरेजर का साइज है उतना इसमें गैप ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम आते हैं ना नाइफ टूल पे तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। आप इसमें ही देखें डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, लाइक मुझे चले जाते हैं। ठीक है, ये वाली शेप सेलेक्ट की, यहाँ पे आए, ये देखें डिफरेंट कलर ऐड हो गया। इसी तरह ये देखें, ये देखें, एक्स, ये देखें ये ग्रीन का शेड हो गया। एंड द लास्ट वन वो हेयर, ये देखें। इस तरह अब हमने शेप को जो है डिफरेंट कलर्स, आप चाह रहे हैं कोई एक ही रेक्टेंगल है और उसे जो है आप डिफरेंट वो ऐड करें तो आपको वो सब अलग अलग ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पेन टूल लें, फर्स्ट आप इतना ड्रॉ करें, देन ये ड्रॉ करें, देन इस पार्ट को ड्रॉ करें, देन ये वाला, ये एंड द लास्ट वन, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल अपनी वो करें, शेप ड्रॉ करें, एंड देन उसको प्रोपोर्शनली आपने जितना अपने ड्राइंग को, इमेज को जो है करना है सेक्शंस में डिवाइड, आपने नाइफ टूल को यूज़ कर सकते हैं। इरेजर टूल को अगर अपने गैप के साथ करना है तो आप उसको कर सकते हैं। या कि देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिंपली कलर्स ऐड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये अच्छा, ये देखें, आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे स्ट्रोक पे जाएं एंड ये डन कर दें। ये देखें, विदाउट स्ट्रोक्स भी आप जो है ना उसको दे सकते हैं। अब वो शो भी नहीं हो रहा, सिर्फ आपको प्रोपोर्शनली कलर से वो डिवाइडेशन मिल रही है। ठीक है, अब आप अपनी जो है इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे लाए, यहाँ से करें और ये स्ट्रोक भी ऐड करते रहें। ठीक है, स्ट्रोक आप जो है इसका वेट इंक्रीज करें। देन मैं अब आपको जो होना यहाँ से कलर बॉक्स जो है कलर पिकर बॉक्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, आपके पास एच से आ जाता है, एच से ह्यू है हमारे पास। ह्यू कलर्स जो होते हैं वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, लाइक मेन फैमिली मेम्बर लगा लें जो प्योर वर्थ रखता है अपनी। इसी तरह ह्यू कलर जो हो जाते हैं ना वो आपके पास प्योर कलर है, उसमें कोई नेचुरल कलर, कोई न्यूट्रल कलर या कोई और कलर्स ऐड नहीं होता। अगर आप अपने कलर को इसी तरह, अगर आप अपने कलर पे वाइट एडिशन ऐड करते जाएंगे ना, ये देखें, ये तो ये आपको टिंट्स की तरफ लेके जाता जाएगा। ये देखें, मैं थोड़ा सा साइड पे करती हूँ ताकि आप शेप में डायरेक्टली कलर्स को देखते जाएँ। ठीक है, ये आपका मेन कलर रेड था, हमने इसको रेड से वाइट कलर लेके, जो वाइट की तरफ लेके जा रहे हैं, आप किसी भी कलर में, ब्लू है, पिंक है, कोई सा भी शेड है आपके पास, ये देखें, आप उससे में वाइट ऐड करते जाएंगे ना तो ये कलर आपका जो है टिंट्स की तरफ जाएगा। जितना जैसे जैसे वाइट ऐड होता जाएगा टिंट्स कलर आते जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप हम मेन कलर यहाँ पे ग्रीन ही चूज़ करते हैं, ये हमारा मेन कलर वाले, हम ओके कर रहे हैं। मैं एक बार आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, आप टिंट्स अपने यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कलर गाइड से। ये देखें, ये हमारे पास मेन कलर था, ये हमारे पास, ये देखिए वाइट ऐड होता जा रहा है और ये देखिए ये टिंट्स आपके हैं, ऐड एंड से ही वाइट में भी चले जाता है। ओके, एग्जैक्ट इसी तरह आपको जो है कलर आ जाता है आपके पास। ओके, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास कलर टिंट्स के बाद आ जाती है शेड्स। अब हम मेन कलर में जैसे जैसे ब्लैक ऐड करते जाएंगे, इसको ब्लैक की तरफ लेके जाएंगे, डार्कर टोन में लेके जाते जाएंगे ना, ये आपके कलर जो है वो शेड में चला जाएगा, लाइक दिस। ये देखिए, आपका मेन कलर है, यहाँ पे आप जा रहे हैं ब्लैक की तरफ, ये आपके शेड्स आ गए यहाँ पे आपको, ये देखें। ओके, जैसे जैसे आप ब्लैक ऐड करते जाएंगे ना, ये आपका शेड्स में जाता जाएगा और एट द एंड ये फुल ब्लैक में भी चला जाता है। ठीक है,
टुवर्ड्स ग्रे। अब अगर आप बात करते हैं ना टुवर्ड्स ग्रे की तरफ, मतलब अभी वाइट टुवर्ड्स वाइट हमने किया, वाइट एडिशन में हमें टिंट्स मिले, ब्लैक एडिशन में हमें शेड्स मिले, इसी तरह हम ग्रे एडिशन करते हैं। ग्रे एडिशन जो है ना वो लेस सैचुरेटेड और डीसैचुरेटेड टोन्स में आ जाता है। ठीक है, ये देखें हम ग्रे ऐड कर रहे हैं, देखेंगे हमारे पास शेड और आ रहे हैं इसी तरह। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास आ जाता है सैचुरेशन। यू जो के बाद जो है सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन में कलर का ये हो जाता है कि आपका कलर कितना डार्क है और कितना लाइट है। ठीक है, ये देखें हमारा कलर जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ था, ये हमारी जो है लाइटर टोन की तरफ जा रहा है इसी तरह, और ये डार्कर टोन, वही चीज़ जो ह्यू और सैचुरेशन, मतलब वो आपको इधर एग्जैक्ट वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास आ जाती है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस में ये देखें सी, ये लेवल अप में है लेवल डाउन है, मतलब कितना आपके कलर का लेवल अप जा रहा है, कितना आपके कलर में लेवल डाउन जा रहा है, मतलब उसमें कितनी ब्राइटनेस कितनी लाइट ऐड हुई है। ओके, इसके बाद ये आपके पास आ जाता है आरजीबी। आरजीबी जो है ना ये देखें, आरजीबी जो है वो हमारे पास है रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये स्पेशल जो है स्क्रीन के लिए होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए, लाइक आपने वेब के लिए, अपने जो है मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए जितना जो है ना आपने वर्क किया करना होता है ना, वो सब आपको आरजीबी में प्रोवाइड करना होता है, जिसने सिर्फ स्क्रीन पे दिखना होता है। स्क्रीन के लिए आरजीबी यूज़ होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू। सेम गोज अगर हम सीएमवाईके की तरफ जाते हैं, तो सीएमवाईके जो है वो है आपके पास सी से सयान, एम फॉर मैजेंटा, वाई से येलो एंड के से ब्लैक। ठीक है, सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, और ये आपके पास जो है ना प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग डिवाइसेस में, लाइक में प्रिंटर में सिर्फ वाई के कलर्स ऐड होते हैं प्रिंटिंग के लिए। आपने कोई से भी प्रिंट्स के प्रिंट्स चाहिए आपको कलरफुल, तो आप में यही इंक्स यूज होती हैं डिवाइसेस में, चीज़ों में, और आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये देखें आपको ये जैसे जैसे शो होता रहा है, देखें अभी आपके पास कलर था ना, ये आप इसका ये बढ़ाते रहें, ये देखें आप ये देख रहे हैं डिग्री में कंप्लीट चेंज होते जा रहे हैं। यू जो आपको डिग्री में शो होता है, सैचुरेशन एंड बाकी चीज़ें आपको, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस आपको परसेंटेज में शो हो रही है, और ये आगे नंबर्स में। अब इसके अलावा जो आपके पास आ जाते हैं हेक्स कोड। अभी देखिए सयान हमने इतना ऐड किया, ठीक है, ये मैजेंटा चेंज हो रहा है, ये हमारे पास कलर जो है मैजेंटा में चेंज हो गया। ये देखिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, हमारे पास हमारा शेड्स चेंज होते जा रहे हैं। अब इसमें ब्लैक ऐड हो रहा है, ये देखें अपने एरो को स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ब्लैक ऐड होने में कलर कितना वो आपका अर्थी ब्राउन टच में चले गया है। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो आ जाती है हमारे पास हेक्स कोड। हेक्स कोड जो है HES हेक्स जो है, ये हमारे पास है हेक्सा डेसिमल वैल्यू, मोस्टली यूज होता है ये UI UX डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइन का ही एक पार्ट है, और वेब डिजाइनर्स यूज करते हैं। ओके, वेब में आपको जो है ना कलर्स जब यूज करने होते हैं तो आपको कोड से यूज करने होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें जो है आरजीबी जो है वो हमें स्क्रीन्स के लिए यूज़ करना होता है। ठीक है, स्क्रीन्स के लिए यूज़ करना होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये देखें फर्स्ट टू आपके पास जो ये लेटर्स आ रहे हैं ना, ये आपके आर को शो करते हैं लाइक रेड। सेकेंड टू का जो पेयर है वो आपको जो है जी को शो करता है लाइक ग्रीन। एंड दी थर्ड लास्ट जो पेयर है ना टू का, वो आपका बी शो करता है मतलब ब्लू। ठीक है, ये ओनली वेब कलर्स हैं। इसके बाद जो है ना ये देखें आपके पास आ जाते हैं ओनली वेब कलर्स। ठीक है, ये ओनली वेब कलर्स जो आपको चाहिए होते हैं ना, वो एग्जैक्ट आपको जो है वेबसाइट के लिए ही होते हैं। ये टोटल 216 होते हैं, और ये इसलिए एग्जैक्ट वेबसाइट के लिए हैं कि लाइक सम टाइम आप अपने UI UX या वेबसाइट के लिए कलर्स डिसाइड करते हैं, तो आपको अपने स्मार्टफोन में डिफरेंट शो हो रहे होते हैं, और अगर आप उसको 2K और 4K में देखते हैं तो आपको डिफरेंट शो होंगे, और अगर आप उसको अपने AMOLED स्क्रीन में देखेंगे, स्मार्टफोन पे देखेंगे, LCD देखेंगे, आपको सब जगह में ये डिफरेंट शो होंगे। ओके, सुपर AMOLED में आपको डिफरेंट कलर्स आएंगे। उस सबसे बने के लिए हमने जो है ना इसको, जब डिज़ाइनर्स और ये UI डिज़ाइनर्स जो है इसको यूज़ करते हैं, या हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं वो एग्जैक्ट कलर, तो वो ओनली वेब कलर्स में जाएंगे। ठीक है, ओनली वेब कलर्स में जाके आप यहाँ से कलर चूज़ करें। अभी जो आपके पास यहाँ पे कलर है, एग्जैक्ट यही कलर आपको जो है ना वो वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी शेप में यहाँ पे जो है लाइव देख सकते हैं कि हमारा कलर किस तरह कहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कलर पिकर बॉक्स एंड देन हमारे ये तीन टूल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आप लोगों ने बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस करनी है, और बहुत डिफरेंट से शेप्स जो है ना बनाकर फिर आप मुझसे जो है
कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, प्रैक्टिस जरूर करनी है एंड डू कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।